Hello everyone, welcome again to the video lecture of TV Engineering. So up till now we have learned different basic concepts in subtopic 1 and 2. Okay, we learned about synchronization, we learned about trace and retrace, we learned about scanning, we learned about video signal. So in this subtopic, what we will do, we will just add up all these things. Okay, we will just add up all those things and summarize the video signal as a composite video signal. That means what we transmit is the electrical signal. So that electrical signal which is transmitted through the transmit antenna contains what all signals? Means is it only video signal or it contains some signals more? ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों को कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल के बारे में पढ़ना है. जो भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था वो अलग अलग पढ़ा था कि नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या है, रीट्रेस में क्या होता है, ब्लैंकिंग क्या होता है. अभी क्या करेंगे, वो सब को हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे. ओके, तो जो भी हमने सब टॉपिक 1 और 2 में पढ़ा था वो सारा कनेक्ट हो जाएगा इस सब टॉपिक से, इस लेक्चर से. सो इस लेक्चर को बहुत ही अच्छे से सुनना है ताकि जो मॉड्यूल 1 है हमारा वो अच्छे से कम्प्लीटली कम्प्लीट हो जाए. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. जो हमारा मॉड्यूल 1 है ये उसका लास्ट सब टॉपिक है, दैट मीन्स कंपोजिट वीडियो सिग्नल. तो कंपोजिट मतलब क्या होता है, इंग्लिश मीनिंग क्या है कंपोजिट वीडियो सिग्नल का? कंपोजिट मीन्स मोर देन वन थिंग. मतलब अगर कोई चीज है जो कि एक से ज्यादा तरीके की चीज से बना हुआ है तो उसको कहते हैं कंपोजिट. ठीक है, तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल मतलब वीडियो सिग्नल जिसमें एक से ज्यादा सिग्नल है. ठीक है, तो अब इस सब टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है. बेसिक्स ऑफ कंपोजिट वीडियो सिग्नल, हम लोग बेसिक्स देखेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या सिग्नल होता है एक वीडियो सिग्नल में. पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रांसमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसमिशन क्या होता है. एक्चुअली इन टीवी इंजीनियरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स एंड वर्टिकल ब्लैंकिंग पल्स, यही चार चीज हम लोग पढ़ेंगे तो हमारा ये जो मॉड्यूल 1 है वो पूरा आपस में कनेक्ट हो जाएगा. तो हम लोग रिकैप करते हैं, हम लोगों ने क्या क्या देखा था. क्विक रिकैप है ये. बेसिक्स ऑफ टीवी देखा हमने, टीवी ट्रांसमीटर देखा, टीवी रिसीवर देखा, उसका जो रिसीवर कंट्रोल्स था जैसे होल्ड बटन, वॉल्यूम अप बटन, ये सारा कुछ देखा था. एस्पेक्ट रेशियो देखा कि एस्पेक्ट रेशियो ग्रॉस स्ट्रक्चर में था जो कि 4:3 होना चाहिए. इंटरलेस स्कैनिंग हम लोगों ने देखा कि स्कैनिंग में क्या हो रहा था, हमें फ्लिकर मिल रहा था तो फ्लिकर रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंटरलेस स्कैनिंग किए. ठीक है, फिर रिजोल्यूशन देखा हमने, तो ये सारा कुछ देखा. अब आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेसिक्स ऑफ कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट है कैमरा सिग्नल, सेकेंड है सिंक्रोनाइजिंग पल्स और थर्ड है ब्लैंकिंग पल्स. ठीक है, कैमरा सिग्नल क्या होता है, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द वेरिएशन ऑफ लाइट इन द पिक्चर टू बी ट्रांसमिटेड. मतलब जो भी फ्रेम हम लोग को ट्रांसमिट करना है, ये जो ट्रेस हो रहा है, जो भी पिक्चर इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोगों को ट्रांसमिट करना है वो आएगा कैमरा सिग्नल में. ठीक है, कैमरा सिग्नल में और कुछ भी ये सिंक्रोनाइजिंग पल्स या ब्लैंकिंग पल्स ये सब कुछ नहीं आएगा. कैमरा सिग्नल मतलब ओनली दिस वेरिएशन ऑफ लाइट, जो पिक्चर है उसका इन्फॉर्मेशन. ठीक है, जो हमारा पिक्चर इन्फॉर्मेशन है वो. नेक्स्ट सिंक्रोनाइजिंग पल्स क्या है, टू प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन एट द ट्रांसमिटर एंड रिसीवर. ये हम लोगों ने देखा था नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन में कि हमें क्या चाहिए कि ट्रांसमिटर और रिसीवर पे वी वांट दैट सेम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पिक्चर फ्रेम शुड बी स्कैन्ड. ठीक है, जो चीज, जो भी कोऑर्डिनेट हम लोग या जो भी पोजिशन हम लोग ट्रांसमिटर पे स्कैन कर रहे हैं वही सेम जो इंफॉर्मेशन यहाँ जाएगा रिसीवर के पास, तो रिसीवर को क्या करना चाहिए, सेम कोऑर्डिनेट पे वो इन्फॉर्मेशन मैप करना चाहिए. ठीक है, तो ये कब होगा, जब हम लोग प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन रखेंगे. थर्ड होता है ब्लैंकिंग पल्सेस. ब्लैंकिंग पल्स क्या होता है, टू मेक रिट्रेस इनविजिबल. इनविजिबल मींस जो नहीं दिखे, गायब होना. तो रिट्रेस के टाइम में क्या होता है हमारा, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिट्रेस के टाइम में 20 लाइंस जो होता है हमारा लॉस्ट हो जाता है. तो उस रिट्रेस जो टाइम है उसको इनविजिबल बनाना है, मतलब उसको नहीं दिखाना है, इसके लिए हम लोग ब्लैंकिंग पल्स भेजते हैं. ठीक है, तो मतलब ये जो कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल आज हम लोग पढ़ेंगे उसमें तीन चीज होगा हमारा. एक तो पिक्चर सिग्नल होगा जिसको कैमरा सिग्नल कहते हैं, उस सिग्नल के साथ में सिंक्रोनाइजिंग पल्स होगा और ब्लैंकिंग पल्स होगा. तो जो भी वीडियो सिग्नल हम लोग जनरेट करेंगे ट्रांसमीटर पे, वो वीडियो सिग्नल किस तीन चीज से बना होगा, ये तीन पल्स से. इसीलिए इस वीडियो सिग्नल को कॉम्पोजिट बोलते हैं. कॉम्पोजिट मतलब एक से ज्यादा सिग्नल है. ठीक है,
तो अभी तक में हम लोगों ने क्या देखा है वो हम लोग देखते हैं। ये जो है स्टैंडर्ड का नाम है, जो 625 लाइन सिस्टम जो हम लोग पढ़ते हैं टीवी सिस्टम, उसका पूरा अगर ये देखें तो वो CCIR 625B उसको ये कहते हैं। तो इन CCIR 625B मोनोक्रोम टीवी सिस्टम दे आर 625 लाइन्स इन वन फ्रेम, ये हम लोगों ने देखा। फिर क्या करते हैं, वन फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू टू फील्ड्स, 625 लाइन्स रहता है, इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं टू फील्ड्स में, ठीक है। इंटरडिस्ट स्कैनिंग में हम लोगों ने पढ़ा था 625 है, इसको डिवाइड कर दिए टू फील्ड्स में, मतलब ऑड और इवन फील्ड्स में, कितने लाइंस में, 312.5 लाइंस, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारा ऑड फील्ड है, ये इवन फील्ड है, तो अभी क्या होगा, अब ये जो फर्स्ट ऑड फील्ड था 312 लाइंस का, दैट मींस कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 312.5 लाइंस तक का, अब इसको हम लोग दोबारा से क्या करते हैं, इसमें से कितना ट्रेस लाइंस होगा, 292.5 लाइंस। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसमें से जो ऑड फील्ड लाइंस जो है 312.5 लाइंस, आउट ऑफ 312.5 लाइंस ओनली 292.5 लाइंस आर यूज्ड इन ट्रेसिंग, रेस्ट 20 लाइंस जो है वो रीट्रेस में काम आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 292.5 लाइंस ट्रेस करता है और लास्ट का जो 20 लाइंस है, मतलब 292.5 से लेकर के 312.5 लाइंस रिट्रेस करता है, ठीक है। अब हम लोग 1 से 312.5 लाइंस तक आ गए, अब नेक्स्ट इवन में जाएंगे, इवन में भी 312.5 लाइंस हम लोग को दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 312.5 लाइंस तक हो गया, दैट मींस हमारा यहाँ 1 से 312.5 था, यहाँ पे क्या होगा 312.5 से 625 लाइंस, ठीक है। अब इसमें भी यही होगा, 292.5 लाइंस ट्रेस करेगा और रेस्ट 20 लाइंस जो है वो रिट्रेस करेगा, तो अभी यहाँ क्या होगा, 312.5 लाइंस टू 625 लाइंस अगेन डिवाइडेड इनटू ट्रेस। ट्रेस में हम लोगों ने देखा 292.5 लाइंस होता है, दैट मींस 312.5 टू 605 लाइंस ट्रेस में लगेगा और रिट्रेस लाइन कब तक होगा, 605 से 625 लाइंस। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इंटरलेस स्कैनिंग में हम लोगों ने देख लिया था, और क्या देखा था कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, जो वन हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो कितने सेकंड का होता है, 64 माइक्रो सेकंड का, एंड आउट ऑफ 64 माइक्रो सेकंड 52 माइक्रो सेकंड्स आर यूज्ड इन ट्रेस पीरियड एंड रेस्ट 12 माइक्रो सेकंड इज फॉर रीट्रेस पीरियड। मतलब इस 52 माइक्रो सेकंड में ट्रेस होगा और बाकी का जो 12 माइक्रो सेकंड है उसमें रीट्रेस होगा, हम लोग अभी तक यही पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो तीन सिग्नल है, ये कैमरा सिग्नल जो होता है वो रहता है इस 52 माइक्रो सेकंड में, और ये 12 माइक्रो सेकंड में क्या क्या होता है, ये सिंक्रोनाइजेशन और ब्लैंकिंग पल्स, ये दोनों जो आता है वो इसी 12 माइक्रो सेकंड में आता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कंपोजिट वीडियो से ग्राफिकल तरीके से देखते हैं, तो हम लोग एक प्लॉट बनाएंगे जिसमें कि जो एक्स एक्सिस है वो तो टाइम रहेगा, वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे कंपोजिट वीडियो सिग्नल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम, मतलब ये वाई एक्सिस पे क्या है, वी बाय वी मैक्सिमम। हम लोग जानते हैं कि हम लोग स्कैनिंग में क्या करते हैं, ब्राइटनेस लेवल को वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं, तो वी बाय वी मैक्स मतलब क्या हुआ कि हम जो भी पिक्चर स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, उसका मैक्सिमम वोल्टेज लेवल कितना तक जा सकता है, और अभी जो हम प्लॉट कर रहे हैं उस टाइम में जो स्क्रीन का वोल्टेज लेवल क्या है। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है 100 नंबर का, तो 100 में से बच्चा कितना ला सकता है, मैक्सिमम 100 ला सकता है, लेकिन कोई बच्चा कभी 20 लाएगा तो ठीक है, तो V by V max ये हो जाएगा। कोई बच्चा कभी 90 ले आएगा तो 90/100, तो ये क्या हो गया, मार्क्स बाय मार्क्स मैक्स। उसी तरीके से ये होता है कि एक कोई पिक्चर फ्रेम है हमारे पास, उसमें डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस इंटेंसिटी रहेगा, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ब्राइटनेस के कारण डिफरेंट वोल्टेज जनरेट होगा स्कैनिंग के टाइम में। तो जो हम प्लॉट करते हैं वो क्या करते हैं, जो भी वोल्टेज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है वो डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 12.5% वाले को, ये जो 12.5% होता है इसको हम लोग कहते हैं पीक वाइट लेवल, मतलब हमारा जो भी पिक्चर है उसमें जो बहुत ही पीक वाइट, मतलब वाइट मीन्स ब्राइटेस्ट, पीक वाइट लेवल मीन्स ब्राइटेस्ट लेवल, ठीक है, जो एकदम पूरा ब्राइट लेवल होगा, जो मैक्सिमम ब्राइटनेस होगा वो हमारा आएगा 12.5% लेवल पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पीक ब्लैक लेवल, मतलब जो एकदम डार्केस्ट लेवल है वो कहाँ आ रहा है, 75% पे,
ठीक है। तो ये हम लोगों को देखना है कि जो पीक व्हाइट लेवल होगा हमारा पिक्चर का वो होगा 12.5 में, पीक ब्लैक लेवल होगा 75% में, और ये इन दोनों के बीच में जो ये रहता है ये क्या है, रेंज ऑफ वीडियो सिग्नल, मतलब हमारा जो वीडियो सिग्नल है वो इसी रेंज में रहेगा, पीक व्हाइट लेवल और पीक ब्लैक लेवल के बीच में। तो हम लोग भी जानते हैं कि मोनोक्रोम टेलीविजन है तो उसमें सबसे ज्यादा ब्राइटनेस व्हाइट हो सकता है या सबसे कम ब्राइटनेस जो होता है वो ब्लैक हो सकता है, तो ब्लैक और व्हाइट के ही बीच में वीडियो सिग्नल रहेगा, ठीक है। तो हमारा जो भी वीडियो सिग्नल रहेगा वो इसी के बीच में रहेगा, इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा, इस लेवल से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जो पीक व्हाइट लेवल है मतलब सबसे ज्यादा ब्राइटनेस हो सकता है वो इसी लेवल पे हो सकता है, सबसे ज्यादा डार्कनेस जो हो सकता है वो इस लेवल पे हो सकता है। तो हमारा कोई भी वीडियो सिग्नल रहेगा वो बिटवीन 12.5 टू 75 रहेगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग 75 बोल तो रहे हैं ब्लैक लेवल, लेकिन होता क्या है कि 72% को माना गया है ब्लैक लेवल, जैसे हम लोग 12.5 को व्हाइट लेवल मांगे हैं पीक व्हाइट लेवल, उसी तरीके से 72% को हम लोग माने थे पीक ब्लैक लेवल, ठीक है। और 75% जो होता था उसको बोलते थे ब्लैंकिंग लेवल, ब्लैंकिंग लेवल 75% को बोलते हैं, 72% को बोलते हैं पीक ब्लैक लेवल, लेकिन यहाँ तो दिखाया हम लोग 75% को पीक ब्लैक लेवल। ये इसलिए क्योंकि ये जो 75% होता है इसके बाद का जो एरिया होता है 75 to 100 में, इसमें हम लोग सिंक्रोनाइजिंग पल्स डालते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ब्लैंकिंग लेवल है उसके बाद हम लोग सिंक्रोनाइजिंग पल्स डालते हैं, लेकिन ये 72 और 75 इतना क्लोज है आपस में कि जो प्रैक्टिकल सर्किट हम लोग बनाते हैं तो ये ऑलमोस्ट सेम हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इतना क्लोज वैल्यू है इन दोनों का आपस में, सिर्फ 3% का डिफरेंस है, तो इसीलिए हम लोग इसको प्रैक्टिकल सर्किट में करते हैं तो ये आपस में बहुत क्लोजली स्पेस्ड होता है, इसीलिए एक ही लेवल लगता है, इसीलिए हम लोग 75% को ही पीक ब्लैक लेवल बोलते हैं और बोलते हैं कि हाँ 75 से ही हमारा सिंक्रोनाइजिंग पल्स वाला जो लेवल है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जो डिफरेंस होता है इसके बीच में पीक और ब्लैंकिंग लेवल, जो पीक लेवल है और ब्लैंकिंग लेवल है उसको कहते हैं पेडेस्टल, पेडेस्टल मतलब ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन पीक ब्लैक लेवल एंड ब्लैंकिंग लेवल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग ने देखा 12.5 से 75 के बीच में हमारा वीडियो सिग्नल रहेगा, 75 से 100 के बीच में सिंक पल्स रहेगा, ठीक है। कंपोजिट वीडियो सिग्नल, हम लोग कंपोजिट वीडियो सिग्नल ड्रॉ कर रहे हैं तो कंपोजिट वीडियो सिग्नल में हमारा वीडियो जो कैमरा सिग्नल था वो भी रहना चाहिए, सिंक पल्स भी रहना चाहिए, ब्लैंकिंग पल्स भी रहना चाहिए, ठीक है। तो उस सब के लिए स्पेस यहाँ पे दिया गया है कि अगर हम लोगों का जो पिक्चर सिग्नल है या कैमरा सिग्नल है वो इस रेंज में रहेगा, जो भी सिंक पल्स है वो इस रेंज में रहेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग वो सब हम लोग सिर्फ नेमिंग जान लिए कि क्या क्या लेवल है, क्या क्या लेवल का क्या नेमिंग है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये पिक्चर अभी देखने में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप का लग रहा है, लेकिन इस पिक्चर को गौर से देखेंगे तो ये बहुत ही आसान है, इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये जो डैश लाइन है 12.5, ये हम लोग देख लिए अभी, पीक व्हाइट लेवल है यही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो 75 वाला लाइन है इसमें देखो ब्लैंकिंग लेवल लिखा हुआ है, जबकि हम लोग अभी पीछे वाले स्लाइड में इसको किए थे ब्लैक लेवल, क्यों, क्योंकि 72 और 75 ऑलमोस्ट क्लोजली स्पेस्ड है, इसीलिए हम लोग इसको ब्लैंकिंग लेवल भी कहते हैं और ब्लैक लेवल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 75 है ये हम लोग देख लिए ब्लैंकिंग लेवल है, ठीक है। और 75 से 100 तक क्या होता था, सिंक पल्सेस के लिए रहता था। तो ये जो ये सब क्या है, सिंक पल्स है, ठीक है। हम लोग बोले थे सिंक्रोनाइजिंग पल्स हम लोग भेजते हैं ताकि ट्रांसमीटर और रिसीवर के साइड में सिंक्रोनाइजेशन रहे दोनों के बीच में, तो इसीलिए ये सिंक पल्स है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल जैसा है वो क्या दर्शा रहा है, ये जो है ये एक फ्रेम है, हम लोगों को एक सेकेंड में कितना फ्रेम करना है, 50 फ्रेम। तो अभी इस पिक्चर में हम लोग 3 फ्रेम दिखाए, 1 2 3, ठीक है, 3 फ्रेम दिखाए हैं। तो हम लोग बोले थे क्या, हमारा जो वीडियो सिग्नल है वो क्या होना चाहिए, 12.5 से 75% के बीच में होना चाहिए। तो ठीक है, जब हम अपना पहला फ्रेम स्कैन कर रहे हैं तो ये मेरा वीडियो सिग्नल आया, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन ब्राइटनेस वोल्टेज लेवल चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वोल्टेज लेवल आया 75 और 12.5% के बीच में, फिर स्कैन हो गया वोल्टेज, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें गए फ्रेम में, तो नेक्स्ट फ्रेम में क्या हुआ, नेक्स्ट फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं क्या, ये थोड़ा और नीचे तक आ गया, ये जो लेवल था मेरा सिग्नल का, ये सिग्नल यहीं तक था, अभी क्या हो गया, ये और नीचे आ गया। तो नीचे जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, व्हाइट लेवल आ रहा है। दैट मींस कि ये जो सेकंड फ्रेम है उसमें ब्राइटनेस ज्यादा है, ठीक है, ब्राइटनेस ज्यादा है। फिर भी क्या हुआ, ये है किसके किसके बीच में, 75 और 12.5 के बीच में,
ये तीसरा वीडियो सिग्नल ये और ज्यादा ब्राइट है, इसलिए और नीचे है। मतलब जो चीज जितना ज्यादा पास जाते जाएगा पीक व्हाइट लेवल के, इसका मतलब है कि वो ज्यादा ब्राइट है। व्हाइट मीन्स ब्राइट है, ठीक है। तो ये तीन फ्रेम इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम लोग क्या जानते हैं, हमारा जो हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसका पीरियड क्या होता है, 64 माइक्रोसेकंड, ठीक है। तो मान लेते हैं ये तो हॉरिजॉन्टल सिंग पल्स है, तो अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो ये जो एक ड्यूरेशन होगा ये कितना का होगा, 64 माइक्रोसेकंड का होगा। अब आउट ऑफ 64 माइक्रोसेकंड हम लोग जानते हैं कि हमारा जो ये होता है ट्रेस पीरियड होता है, एक्टिव पीरियड जो होता है वो कितना का होता है, 52 माइक्रोसेकंड का, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन वाला जो पीरियड हुआ, इसमें हम लोग देख सकते हैं ये जो पीरियड है, जितने देर हम लोगों को कैमरा सिग्नल मिल रहा है ये कितना का होगा, 52 माइक्रोसेकंड का। क्योंकि कैमरा सिग्नल हम लोग को कब मिलेगा, जब ट्रेस होगा, जब इन्फॉर्मेशन पिकअप होगा, और ट्रेस का टाइम कितना होता है, 52 माइक्रोसेकंड। इसीलिए यहाँ पे भी इतने दूर हम लोगों को कैमरा सिग्नल मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 52 माइक्रोसेकंड। तो 64 माइक्रोसेकंड का एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसमें 52 माइक्रोसेकंड ट्रेस के लिए होता है, ये हम लोग देख लिए, 52 माइक्रोसेकंड ट्रेस के लिए होता है। इसीलिए जब जितना दूर वीडियो सिग्नल है वो 52 माइक्रोसेकंड हो गया। अब बाकी क्या बचा, 12 माइक्रोसेकंड, 64 टोटल है, 52 तो हम समझ गए कि हाँ यहाँ पे वीडियो सिग्नल आ रहा है, लेकिन बाकी रेस्ट 12 जो माइक्रोसेकंड है वो कहाँ जा रहा है, बाकी जो 12 है वो इधर सिंक पल्सेस में जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग होता है उसमें जा रहा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए हम लोगों को इसमें क्या देखना है कि हाँ वीडियो सिग्नल था 52 माइक्रोसेकंड का, और जो रेस्ट 12 माइक्रोसेकंड जो कि हम लोग देखे थे कि रीट्रेस होता है, उस रीट्रेस में ही हम लोग सिंक पल्स वगैरह सब भेजते हैं। तो ये जो रेस्ट 12 माइक्रोसेकंड है वो सिंक पल्स में जा रहा है, ठीक है, ये हम समझ गए। अब एक नया इसमें वर्ड है, पेडेस्टल हाइट, ये क्या होता है। तो पेडेस्टल, अभी हम लोग लास्ट इसमें क्या पढ़े कि पेडेस्टल क्या होता था, पेडेस्टल होता था ब्लैंकिंग लेवल और पीक ब्लैक लेवल के बीच का डिफरेंस, यही देखे थे। पेडेस्टल हाइट क्या हो जाएगा, ब्लैंकिंग लेवल और माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ वीडियो सिग्नल, ठीक है। कोई भी सिग्नल रहता है उसका एवरेज वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, एवरेज वैल्यू को डीसी कहते हैं। तो जो एवरेज वैल्यू सिग्नल का रहता है, तो ब्लैंकिंग लेवल एंड एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी सिग्नल लेवल जो रहता है उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहते हैं पेडेस्टल हाइट। जैसे अभी ये हमारा सिग्नल है, एवरेज लेवल मान लेते हैं ये है, एवरेज ये है। अब इसे क्लास का एवरेज मतलब क्या होता है, मान लेते हैं क्लास में चार बच्चे को आया है 90, ठीक है, और सॉरी तीन बच्चे को आया है 90 और बाकी तीन को आया है 60 60 60, ठीक है। आपको पूछेगा एवरेज क्लास का नंबर क्या है, तो एवरेज मतलब होता है कि टोटल करके और डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है वो मैथमेटिकली। लेकिन इसका अगर फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझे तो क्या समझेंगे कि ठीक है कुछ बच्चे को 90 आया तो कुछ को तो 60 भी आया, तो इसके बीच का जो एवरेज होगा वो वैल्यू हमको चाहिए कि क्लास का परफॉर्मेंस एवरेज क्या है, ठीक है। एवरेज मतलब 90 से 60 के बीच में वेरी कर रहा है मार्क्स सबका, इसीलिए एवरेज क्या हो जाएगा 90-60 के बीच का। तो उसी तरीके से यहाँ पे वेरी कर रहा है सिग्नल यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग का काम क्या है, इस लेवल के बीच में कोई एक लेवल निकाले जो कि ऑलमोस्ट उसका एवरेज वैल्यू दे। तो हम लोग सोचे कि चलो ये जो है एवरेज वैल्यू है मेरा, ठीक है। तो मेरा पेडेस्टल हाइट क्या हो जाएगा, ब्लैंकिंग लेवल तो 75% पे ही रहेगा और एवरेज वैल्यू ये, तो ये मेरा पेडेस्टल हाइट हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर ये वाले पिक्चर को देखें तो इस पिक्चर में एवरेज क्या होगा, एवरेज मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को बीच का लाइन खींचना पड़ता है कि जितना भी ये रेंज में ये वेरी कर रहा है उसके बीच में एक लाइन खींचेंगे। तो ये वेरी कहां से कर रहा है, यहां तक कर रहा है और यहां तक कर रहा है, तो इसके बीच का एवरेज यही होगा, ठीक है। तो अभी पेडेस्टल हाइट क्या हो जाएगा, ब्लैंकिंग लेवल तो हमेशा सेम रहेगा 75% पे और एवरेज लेवल ये हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा पिक्चर ज्यादा ब्राइट होते जाता है, हमारा जो पेडेस्टल हाइट है वो बढ़ते जाता है, ये हम लोग देख रहे हैं। क्योंकि ज्यादा ब्राइट होगा तो मेरा जो वीडियो सिग्नल है वो नीचे की तरफ जाएगा और ब्लैंकिंग लेवल तो 75 पे ही रहेगा, तो पेडेस्टल हाइट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब हम लोग आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसमिशन पे कि एक्चुअल में होता क्या है। दो चीज अभी हम लोगों को पढ़ना है, एक है पॉजिटिव नेगेटिव ट्रांसमिशन और एक है पी बाय एस रेशियो, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें कि ये 12.5 से 75 तक में हम लोग पिक्चर भेजते हैं, तो उसको हम लोग लेट से इस रेंज को पी कहते हैं और 75 से 100 वाले को एस कहते हैं, मतलब सिंक्रोनाइजेशन के लिए एस, पिक्चर के लिए पी, ठीक है।
तो पिक्चर हमारा अगर इस रेंज में है तो हम लोग मान सकते हैं ना कि यहाँ पे ब्राइटेस्ट पिक्चर है, तो मान लेते हैं इसको 1 है और यहाँ पे ये डार्क लेवल है, ब्लैक लेवल है, तो इसको 0 मान लेते हैं। पिक्चर तो 0 to 1 के बीच में है, 0 मतलब एकदम डार्क लेवल मानेंगे, 1 मतलब व्हाइट लेवल मानेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो सिंक पल्स है, सिंक पल्स के लिए क्या करेंगे, ये 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 0.4 तक। तो ये जो P by S रेशियो है वो हम लोगों को हमेशा 10/4 मेंटेन करना होता है। मतलब अगर पिक्चर हम लोग 10 पार्ट्स में दे रहे हैं तो उसका 4 पार्ट्स एटलीस्ट सिंक में होना चाहिए, ठीक है। अब P by S रेशियो को हम लोग बढ़ा या घटा नहीं सकते हैं, नहीं तो हमारा जो है एक ना एक चीज हम लोग को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मान लेते हैं P by S रेशियो अभी 10:4 है, ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन जो पल्स है वो 4 यूनिट लेगा और ये 10 यूनिट लेगा। तो अगर देखा जाए तो ये 10:4 का रेशियो होगा, ये जो इतना एम्पलीट्यूड है वो 10:4 होगा। तो अगर अब हम ये रेशियो बढ़ाते हैं, मान लेते हैं P by S बढ़ा रहे हैं, तो रेशियो बढ़ाने का मतलब ये जो पिक्चर इन्फॉर्मेशन है उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कब बढ़ेगा, जब सिंक वाला कम हो जाएगा। तो अगर P by S रेशियो बढ़ रहा है दैट मीन्स पिक्चर का तो जो ये है वोल्टेज लेवल है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन सिंक पल्स के लिए जो हम लोग वोल्टेज रखे हुए थे कि हाँ इस रेंज में सिंक पल्स रहेगा वो तो घट गया। तो अभी क्या होगा, पिक्चर इन्फॉर्मेशन ज्यादा लेवल तक जा सकता है लेकिन सिंक क्या हो रहा है, सिंक पल्स कम हो रहा है। दैट मीन्स कि अगर हम लोग ये P बढ़ाते हैं तो हमारा सिंक्रोनाइजेशन बिगड़ जाएगा रिसीवर और ट्रांसमीटर में। सिमिलर वे में अगर P by S को हम लोग कम करते हैं, P by S कम करना मतलब पिक्चर कम कर रहे हैं, S बढ़ा रहे हैं, तो अभी क्या होगा, सिंक्रोनाइजेशन बढ़ाने से सिंक्रोनाइजेशन तो और अच्छा होगा ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच में, पर क्या होगा, पिक्चर इन्फॉर्मेशन कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ना तो P by S को बहुत ज्यादा कर सकते हैं ना P by S को कम कर सकते हैं। तो P by S को हम लोग सेट करते हैं 10/4 पे, ठीक है। ये था P by S का। अब आता है नेगेटिव ट्रांसमिशन। ये नेगेटिव ट्रांसमिशन क्या है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो व्हाइट लेवल है, ठीक है, व्हाइट लेवल मतलब हम लोग लो लेवल लिए हैं 12.5%, मतलब कि अगर वोल्टेज के टर्म में लें तो 12.5 वोल्ट, ऐसा नहीं है कि 12.5 वोल्ट है, ये परसेंटेज है, पर एग्जांपल के लिए कि यहाँ पे पीक व्हाइट जो है, जो ब्राइटेस्ट पार्ट है उसको हम 12.5 वोल्ट से कर रहे हैं रिप्रेजेंट, और जो ब्लैक लेवल है मतलब जो ब्लैक कलर है या जहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको हम लोग 75 वोल्ट से कर रहे हैं, ठीक है। हमारा इन्फॉर्मेशन तो ब्राइटनेस में ही रहता है ना, डार्कनेस में तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, ब्लैक में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू ब्लैक। तो हम लोगों को हमेशा चाहिए ये ब्राइटनेस इन्फॉर्मेशन, लेकिन ब्राइटनेस इन्फॉर्मेशन को ही हम लोग कम वोल्टेज ले रहे हैं, ब्लैक वाले को ज्यादा वोल्टेज दे रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर कोई भी ब्राइटनेस रहेगा, अगर बहुत सबसे हाईएस्ट जो पीक व्हाइट है उसको हम लोग 12.5 वोल्ट से कर रहे हैं और जो पीक ब्लैक है उसको 75 वोल्ट से कर रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया ना, ज्यादा ब्राइटनेस को हम लोग कम वोल्टेज लेवल से कर रहे हैं और जो एकदम डार्क है उसको ज्यादा वोल्टेज लेवल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं ये हम लोग देखते हैं। जो हमारा पॉजिटिव ट्रांसमिशन होता है जिसको कि पॉजिटिव मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग करते हैं कि ब्राइटनेस अगर इंक्रीज होता है पिक्चर का तो वीडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता है पॉजिटिव ट्रांसमिशन में, ठीक है। पॉजिटिव ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, अगर ये हमारा पिक्चर है इसमें अगर ब्राइटनेस जो है पिक्चर का इंक्रीज होगा तो मेरा क्या होगा, सिग्नल का, वीडियो सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड अभी हम लोग लास्ट स्लाइड में देखे थे कि 12.5 से 75 था, तो उसमें क्या होगा, ब्राइटनेस इंक्रीज होगा तो एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर हम लोगों को पीक व्हाइट लेवल चाहिए, पीक व्हाइट लेवल कहाँ आएगा, 100% पे आएगा, ठीक है, यही लिखा है। सो पीक व्हाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू 100% मॉड्यूलेशन लेवल, ठीक है, और सिंक लेवल कॉरेस्पॉन्ड्स टू मिनिमम लेवल। जो अभी हम लोगों ने लास्ट में देखा था उसमें क्या था, जो सिंक था, सिंक पल्स वाला था वो मैक्सिमम लेवल पे था, ठीक है, और जो पीक व्हाइट लेवल था वो मिनिमम लेवल पे था, इसीलिए वो था नेगेटिव ट्रांसमिशन। तो पॉजिटिव ट्रांसमिशन में क्या होता है, इन दिस ट्रांसमिशन इफ ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर इंक्रीजेज वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड ऑल्सो इंक्रीजेज, मतलब हम लोग जो पिक्चर का जो पीक व्हाइट लेवल है उसको 100% पे रखते हैं और जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ेगा वैसे वैसे सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी बढ़ता है। अब क्योंकि 100% वाले लाइन पे हमारा वीडियो सिग्नल है तो अब सिंक लेवल किधर आएगा, सिंक लेवल आ जाएगा इधर 25, इस बीच में अभी मेरा सिग्नल रहेगा और 25 से 0 के बीच में सिंक पल्स रहेगा, ठीक है। ये होता पॉजिटिव ट्रांसमिशन में। नेगेटिव ट्रांसमिशन में क्या होता है कि इन दिस ट्रांसमिशन इफ ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर इंक्रीजेस वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस,
यही चीज पिछले में हुआ था, लास्ट स्लाइड में हम लोग देखे थे कि जैसे ही ब्राइटनेस इंक्रीज हो रहा है वीडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है वो घट रहा है, हम लोग देख भी सकते हैं लास्ट स्लाइड में पिक्चर का ब्राइटनेस बढ़ा। ठीक है, ये ब्राइटनेस बढ़ा क्योंकि पीक व्हाइट लेवल ये है, पीक व्हाइट मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट लेवल ये हो सकता है। तो जैसे ही सिग्नल का ब्राइटनेस बढ़ रहा है तो मतलब ये धीरे धीरे डाउन आ रहा है, और तो ये जो वोल्टेज लेवल हो क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ रहा है वैसे वैसे ये जो एम्पलीट्यूड है वोल्टेज लेवल जो है वो कम हो रहा है, तो ये चीज हम लोग देख चुके हैं। सो पीक व्हाइट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नियर जीरो लेवल, मतलब जो पीक व्हाइट है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नियर जीरो, 12.5 है तो उसको नियर जीरो हम लोग बोल सकते हैं। और सिंक लेवल जो है वो कॉरेस्पॉन्ड्स टू, सॉरी यहाँ मैक्सिमम लेवल होगा, तो सिंक लेवल कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम लेवल। हम लोगों ने देखा सिंक लेवल था मैक्सिमम पे 75 to 100% मैक्सिमम होता है। ठीक है, अब हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव क्यों लेते हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं लेते हैं। पॉजिटिव में हम लोग क्या पढ़े कि अगर हमारा सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो पिक्चर का ब्राइटनेस भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स। ठीक है, नेगेटिव में क्या देखिए, सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो ब्राइटनेस घट रहा है। नेगेटिव मीन्स ये दोनों साथ साथ नहीं है, अगर ब्राइटनेस बढ़ेगा तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड घटेगा, पॉजिटिव मतलब ब्राइटनेस बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा। ठीक है, अब एडवांटेज क्या है नेगेटिव मॉड्यूलेशन का, क्यों हम लोग टीवी इंजीनियरिंग में जो सिग्नल ट्रांसमिशन है उसके लिए नेगेटिव मॉड्यूलेशन यूज किए। तो फर्स्ट एडवांटेज क्या है कि ड्यू टू नॉइज पल्सेस द वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। नॉइज क्या करता है, नॉइज कुछ ऐसा रहता है, तो नॉइज जब भी किसी सिग्नल में ऐड होगा ये क्या करेगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ऐड ही हो रहा है सिग्नल में। तो इन नेगेटिव मॉड्यूलेशन इट विल प्रोड्यूस ब्लैक डॉट्स ऑन स्क्रीन, मतलब अगर नॉइज ऐड होगा तो हमारा जो नेगेटिव ट्रांसमिशन अगर हम लोग यूज किए हैं तो नॉइज के कारण क्या होगा, ब्लैक डॉट आएगा। दिस क्रिएट्स मच लो डिस्टर्बेंस एज कम्पेयर टू व्हाइट डॉट्स प्रोड्यूस्ड इन पॉजिटिव मॉड्यूलेशन, मतलब पॉजिटिव मॉड्यूलेशन में नॉइज के कारण व्हाइट डॉट्स आता है लेकिन नेगेटिव मॉड्यूलेशन में नॉइज के कारण ब्लैक डॉट्स आता है। अब हम लोग देखे हैं कि कोई भी चीज अगर ब्लैक होगा तो हम लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर बीच में व्हाइट डॉट हम लोग को अगर मिलेगा तो हम लोगों को ज्यादा पता चलेगा। कोई भी चीज अगर ब्राइट चीज आ जाएगा आंख के सामने तो ज्यादा पता चलता है ना, और वही अगर ब्लैक डॉट आएगा नॉइस की तरह तो कम पता चलेगा। ठीक है, तो अब ये ब्लैक और व्हाइट डॉट आया कहाँ से, अभी हम लोग क्या देखे कि मान लेते हैं ये है पॉजिटिव के लिए ये है नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या बोले, हाई एम्पलीट्यूड किस चीज के लिए है, व्हाइट के लिए है या ब्लैक के लिए है पॉजिटिव में। पॉजिटिव में हम लोग क्या देखे, जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ेगा वैसे वैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, तो हाई एम्पलीट्यूड मतलब हाई ब्राइटनेस, हाई ब्राइटनेस मतलब व्हाइट। ठीक है, तो पॉजिटिव में ब्राइटनेस है मतलब व्हाइट है हाई एम्पलीट्यूड के लिए, और लो एम्पलीट्यूड के लिए क्या है, ब्लैक। सिमिलरली इसका उल्टा हो जाएगा नेगेटिव में, हाई एम्पलीट्यूड क्या चीज के लिए आएगा, ब्लैक के लिए आएगा, और लो एम्पलीट्यूड क्या चीज के लिए आएगा, व्हाइट के लिए आएगा। ठीक है, ये चीज हम लोग पढ़े कि अगर ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर इंक्रीज होता है तो सिग्नल एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो यही चीज हम लोग देखें कि अगर ब्राइटनेस ऑफ पिक्चर इंक्रीजेज मतलब व्हाइट तो सिग्नल एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा मतलब लो एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि नॉइज के ऐड होने से वीडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब एम्पलीट्यूड बढ़ेगा नॉइज ऐड हुआ, ठीक है अभी नॉइज आया पिक्चर में, नॉइज ऐड हुआ, नॉइज ऐड होने के बाद पॉजिटिव ट्रांसमिशन अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, नॉइज के कारण एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, हाई एम्पलीट्यूड क्या है, व्हाइट, तो इसीलिए पॉजिटिव ट्रांसमिशन अगर यूज करेंगे तो हमको व्हाइट डॉट मिलेगा नॉइज के रूप में। नेगेटिव में क्या है, अगर एम्पलीट्यूड हाई होता है तो हमको ब्लैक डॉट मिलेगा, और अगर नेगेटिव यूज करेंगे तो ब्लैक डॉट मिलेगा। अब आउट ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक डॉट विच विल प्रोड्यूस लेस इफेक्ट एट आवर आई, दिस ब्लैक डॉट। ठीक है, ब्लैक डॉट जो है वो बहुत ही कम डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करेगा स्क्रीन पे, जैसा कि अगर व्हाइट रहेगा इन कंपैरिजन टू व्हाइट डॉट्स। ठीक है, तो ये तो एक फायदा हुआ नेगेटिव ट्रांसमिशन यूज करने का, कि अगर नॉइज होता है क्या फायदा है कि ड्यू टू नॉइज वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस। तो जब हाई एम्पलीट्यूड होता है नेगेटिव ट्रांसमिशन में तो वो किस किस को रिप्रेजेंट करता है, ब्लैक को, इसीलिए नॉइज की जगह हम लोगों को ब्लैक डॉट नजर आता है, और ब्लैक डॉट क्रिएट्स मच लो डिस्टर्बेंस एज कम्पेयर टू व्हाइट डॉट्स। ठीक है, दूसरा हमारा एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज है कि सिंस मोस्ट ऑफ द वीडियो सिग्नल आर व्हाइट द वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड इज लो एंड ट्रांसमिटेड पावर इज लेस।
अभी क्या है, हमारा जो भी पिक्चर है या हम लोग कोई भी पिक्चर क्लिक करते हैं या वीडियो बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हमारा कुछ ब्राइटनेस सेटअप तो कर रहे हैं ना। किसी को कभी देखो अंधेरे में कोई फोटो खींच रहा है या अंधेरे में वीडियो बना रहा है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ब्राइटनेस है तभी कोई इन्फॉर्मेशन है। तो मोस्ट ऑफ द वीडियो सिग्नल आर वाइट, मतलब ज्यादातर जो अगर कोई फ्रेम भी है ठीक है, हो सकता है कहीं पे ब्लैक हो या डार्क हो, लेकिन ज्यादातर जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ब्राइट होता है, ठीक है। तो द वीडियो सिग्नल एम्पलीट्यूड इज लो एंड ट्रांसमिटेड पावर इज लेस। अब क्योंकि ज्यादातर वीडियो सिग्नल वाइट होता है, अब अगर वाइट के लिए हम लोग हाई एम्पलीट्यूड लेते हैं तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड हाई होगा तो ट्रांसमिटेड पावर भी हाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेगेटिव ट्रांसमिशन में क्या होगा, हम लोग हाई एम्पलीट्यूड को ब्लैक लिए हुए हैं, ठीक है। तो हाई एम्पलीट्यूड को ब्लैक लिए हुए हैं, व्हाइट को क्या लिए हुए, लो एम्पलीट्यूड। तो ज्यादातर वीडियो सिग्नल मेरा व्हाइट है, दैट मींस कि अगर नेगेटिव ट्रांसमिशन यूज करते हैं तो जो वीडियो सिग्नल होगा उसका लो एम्पलीट्यूड होगा, और लो एम्पलीट्यूड होगा तो ट्रांसमिटेड पावर भी लेस होगा, ठीक है। और तीसरा जो है वो है द सिंक पल्स लेवल एट 100% are used at the receiver as AGC reference, मतलब हम लोग ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पॉइंट समझ में आएगा कि अगर सिंक नेगेटिव ट्रांसमिशन यूज करते हैं तो हमारा जो सिंक पल्स है वो कौन से लेवल पे रहता है, मैक्सिमम पे रहता है, 75 टू 100 जो है मैक्सिमम लेवल, ठीक है। तो और जो AGC हम लोग को सर्किट में यूज करना होता है उसका रेफरेंस लेवल भी 100% ही है। तो ये सारा कुछ एडवांटेज है। अगर टेबुलर फॉर्म में देखें तो हम लोग क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव है। नॉइज के ऐड होने से अभी हम लोग देखे कि अगर पॉजिटिव ट्रांसमिशन यूज करते हैं तो नॉइज ऐड होगा तो व्हाइट डॉट होगा, नेगेटिव यूज करेंगे तो ब्लैक डॉट होगा। ट्रांसमिटिंग पावर किसमें ज्यादा लगेगा, पावर किसमें ज्यादा लगेगा, जिसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा हो। अब अगर पॉजिटिव यूज कर रहे हैं तो ये याद रखना है कि हमारा जो ज्यादातर वीडियो सिग्नल होता है वो व्हाइट होता है, मतलब उसमें ब्राइटनेस होता है। तो अगर व्हाइट है तो ट्रांसमिटिंग पावर इसमें हाई होगा पॉजिटिव में, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में क्या होता है, हाई एम्पलीट्यूड व्हाइट है, ठीक है। और नेगेटिव में क्या होगा, जितना ज्यादा ब्राइटनेस होगा उतना कम एम्पलीट्यूड है, तो इसीलिए ट्रांसमिटिंग पावर इसमें लो होगा, एफिशिएंसी इसमें लो है, नेगेटिव का एफिशिएंसी हाई है, क्योंकि ट्रांसमिटिंग पावर है ऐसा, ट्रांसमिटिंग पावर इसमें नेगेटिव में बहुत लो है इसलिए एफिशिएंसी हाई है, नॉइज भी इसमें नेगेटिव में कम होता है इसलिए एफिशिएंसी हाई है। व्हाइट लेवल को हम लोग पॉजिटिव में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 100% से, लेकिन नेगेटिव में क्या करते हैं, 10 से 12.5, इसमें ऐसा नहीं है कि 10% है हम लोग तो 12.5 पर हैं, ऐसा नहीं है, ये अप्रॉक्स है। ब्लैक लेवल को पॉजिटिव में क्या करते हैं, 25% से, लेकिन नेगेटिव में 75% पे करते हैं, ठीक है। ब्लैंकिंग लेवल जो है वो क्या है, 28%, नेगेटिव में हमारा 78 है, अगेन हम लोग 75% पर हैं ब्लैंकिंग लेवल, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये होता है। सिंक पल्स लेवल क्या है, हमारा जो मैक्सिमम सिंक पल्स लेवल है वो 100% पे यहाँ होता है पॉजिटिव में, लेकिन उल्टा होगा, जो सबसे मिनिमम लेवल होगा वो होगा, ठीक है। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन अगर आएगा कि पॉजिटिव ट्रांसमिशन और नेगेटिव ट्रांसमिशन क्या होता है तो यही लिखना है, ये बहुत ही ईजी है, एक दो बार अपने से भी पढ़ोगे तो समझ जाना है। सो अभी तक हम लोग क्या देखे कि बेसिकली कैमरा सिग्नल हैज, मतलब एक जो कैमरा सिग्नल होता है उसको क्या होता है, लोएस्ट एम्पलीट्यूड होता है उसका 12.5% पे, विच शोज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर। हम लोग देखे थे कैमरा सिग्नल हमारा ये 12.5 वाला लाइन है और ये 75% वाला लाइन है, इसी के बीच में रहता है, तो ये जो होता है ये पीक व्हाइट होता है और ये जो होता है वो पीक ब्लैक होता है। तो इसका मतलब कि जो भी हमारा कैमरा सिग्नल है उसका लोएस्ट एम्पलीट्यूड, और ये लोएस्ट एम्पलीट्यूड होता है यहाँ पे क्योंकि 12.5 है लोएस्ट, हाईएस्ट क्या है 75 है, तो लोएस्ट एम्पलीट्यूड एट 12.5 विच शोज द वाइटेस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, पिक्चर का जो वाइटेस्ट पार्ट है वो लोएस्ट एम्पलीट्यूड पे मैप होगा। हाईएस्ट एम्पलीट्यूड एट 75% विच शोज डार्केस्ट पार्ट ऑफ द पिक्चर, जो डार्केस्ट पार्ट है पिक्चर का मतलब कि ब्लैक, वो उसका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है 75%। और कौन सा ट्रांसमिशन यूज होता है, नेगेटिव पोलैरिटी सिग्नल ट्रांसमिशन, मतलब नेगेटिव ट्रांसमिशन या नेगेटिव मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए ब्राइटनेस ज्यादा है तो ये जो लेवल है, जो वोल्टेज लेवल है वो कम है, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स पे। हम लोगों ने देखा अभी कैमरा सिग्नल देखा, अब हॉरिजॉन्टल अभी हम लोगों ने देखा कि 64 माइक्रो सेकंड में 52 माइक्रो सेकंड जो होता था वो ट्रेस के लिए होता था, जिसमें कि पिक्चर इन्फॉर्मेशन होता था, और रेस्ट जो 12 माइक्रो सेकंड है वो रीट्रेस में होता था। यही रीट्रेस जो होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स, मतलब रीट्रेस भी इसी टाइम में होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये जो 12 माइक्रो सेकंड है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स। अब ये ब्लैंकिंग पल्स में क्या क्या चीज होता है,
तीन पार्ट होता है, मतलब ये जो 12 माइक्रो सेकेंड है उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला होता है फ्रंट पोर्च, सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स और थर्ड होता है बैक पोर्च। ठीक है, अब ये फ्रंट पोर्च, बैक पोर्च और सिंक पल्स क्या होता है? जब भी मेरा लाइन जो है, जो टीवी रास्टर है मान लेते हैं, तो जब ये ट्रेस करता है, ट्रेस यहाँ तक किया, उसके बाद ये रीट्रेस करता है, तो रीट्रेस करने में यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पहुंचा और तुरंत एकदम रीट्रेस होता है, रीट्रेस इनिशिएट करना पड़ता है कि हाँ अब तुम अपना डायरेक्शन बदलो। जैसे तुम अगर सीधे चल रहे हो, तुमको अपना डायरेक्शन बदलना है या मुड़ना है, तो थोड़ा पैर को घुमाना पड़ता है ना, अचानक से तो एकदम नहीं मुड़ जाते हो रोबोट की तरफ, थोड़ा तो पैर को घुमाओगे, एक सेकंड लगेगा पैर घुमाने में, तब मुड़ोगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी होता है कि ट्रेस के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम आगे जा रहा होता है तो रीट्रेस इनिशिएट करते हैं, तब ये जो बीम है अपना डायरेक्शन बदलता है। तो ये जो इनिशिएशन है रीट्रेस के लिए कि अपना डायरेक्शन बदले, उसमें कितना सेकंड लग जाता है? 1.5 माइक्रो सेकंड लग जाता है। ठीक है, मतलब 52 माइक्रो सेकंड लग जाता है उसको यहाँ पहुंचने में, और 1.5 माइक्रो सेकंड लगता है कि वो इनिशिएट करे रीट्रेस, कि हाँ अब रीट्रेस करना है, तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करने में, कि हाँ चेंज करे खाली, उसमें इसको 1.5 माइक्रो सेकंड टाइम लग जाता है। ठीक है, तो फ्रंट पोर्च, ये चीज फ्रंट पोर्च में होता है। फ्रंट पोर्च में क्या होगा? फ्लाईबैक और रिट्रेस इज इनिशिएटेड एट ब्लैक लेवल, मतलब फ्लाईबैक या फिर रिट्रेस इनिशिएट होता है। दूसरा पार्ट क्या है इसका? हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स, मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक तो है ट्रेस और दूसरा है ब्लैंकिंग पल्स। अब ये ब्लैंकिंग पल्स में ही हमारा रिट्रेस इनिशिएट हो रहा है, फिर हम लोग सिंक पल्स भेज रहे हैं और फिर रिट्रेस कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सिंक पल्स है वो कितने देर तक रहेगा? 4.7 माइक्रो सेकंड तक रहेगा। और बैक पोर्च में क्या होगा कि मेरा रीट्रेस पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, यहाँ तो सिर्फ इनिशिएट हुआ था रीट्रेस, लेकिन यहाँ क्या होगा, 5.8 माइक्रो सेकंड जो बैक पोर्च का टाइम रहता है उसमें क्या होगा, मेरा रीट्रेस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब अब जो मेरा जो बीम है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे, ट्रेस में कैमरा सिग्नल आता था, जो दूसरा 12 माइक्रो सेकंड है उसमें हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स है, इस ब्लैंकिंग पल्स में ही सिंक पल्स भी है और मेरा रिट्रेस भी हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं टाइम पे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का पीरियड हम लोग जानते हैं 64 माइक्रो सेकंड होता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड कितना होता है, मतलब आउट ऑफ 64 माइक्रो सेकंड ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड है वो कितना होगा? 0.19 TH, मतलब 19% ऑफ ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो 64 माइक्रो सेकंड का 19% निकालेंगे तो 12 माइक्रो सेकंड आएगा। ठीक है, मतलब ये 12 माइक्रो सेकंड जो है वो हमारा हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड है। ठीक है, जिसमें कि ब्लैंकिंग पल्स जाएगा। और इसमें से अब हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स, सिंक पल्स कैसे निकालेंगे, सिंक पल्स का टाइम, तो 7% टाइम जो रहता है ये टोटल टाइम का वो होता है सिंक पल्स के लिए। तो अभी मेरा टोटल टाइम क्या है, 64 माइक्रो सेकंड, 7% ऑफ 64 माइक्रो सेकंड 4.7 माइक्रो सेकंड। तो न्यूमेरिकल भी आएगा कि अगर न्यूमेरिकल में क्या होगा, दिया रहेगा कि हाँ हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड इतना है, अगर हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड 0.19 के जगह कुछ और फॉर्मूला दे रहेगा कि 0.22 है टीएच का, तो फाइंड आउट करो कि कितना माइक्रो सेकंड लगेगा रिट्रेस में, कितना काम लोगों को सिंक पल्स चाहिए। ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल सॉल्व हम लोग कर सकते हैं क्लास में। तो अभी हम लोग देखें ब्लैंकिंग पल्स होता है, ब्लैंकिंग पल्स में तीन चीज है, फ्रंट पोर्च, सिंक पल्स और बैक पोर्च। हम लोग उसका जो टाइम कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट किए, वो भी देखें कि ब्लैंकिंग पीरियड कैलकुलेट होता है 0.19 इंटू टीएच, मतलब जो टोटल हॉरिजॉन्टल टाइम था वो, और सिंक पल्स होता है 0.07 इंटू टीएच, मतलब ब्लैंकिंग पीरियड जो होता है वो होता है 19% और सिंक पल्स होता है 7%। तो हम लोग उसको डायग्राम से अभी देखते हैं। हम लोग ये वाला डायग्राम देखे थे पहले कि हमारा रास्टर है, ये ट्रेस हो रहा है, फिर यहाँ पे रिट्रेस इनिशिएट होगा और रिट्रेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेस शुरू होगा, तो ये जो टाइम है इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पल्स। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको देखते हैं फ्रंट पोर्च और बैक पोर्च क्या होता है। अगर ये हमारा रास्टर है तो ये वाला जो डैश्ड लाइन ये एरिया दिख रहा है उसको कहते हैं फ्रंट पोर्च, क्योंकि अभी हम लोग देखें फ्रंट पोर्च का टाइम कितना था, 1.5 माइक्रो सेकेंड, और इसमें रिट्रेस इनिशिएट होता था, इसीलिए ये बहुत, देखो इसका विड्थ बहुत कम है क्योंकि हमको सिर्फ 1.5 माइक्रो सेकेंड ही चाहिए। ठीक है, और ये क्या है, बैक पोर्च। बैक पोर्च में क्या होता है, हमारा जो रिट्रेस होता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका ये रिट्रेस कंप्लीट होता है, और साथ में क्या होगा, फ्रंट पोर्च के बाद हमारा सिंक पल्स जाएगा, हम लोगों ने यहाँ देखा था ना, फ्लाईबैक है। ठीक है, फ्रंट पोर्च में पहले फ्लाईबैक
इनिशिएट होगा, फिर हम लोग सिंक पल्स देंगे, उसके बाद जाकर के रिट्रेस कंप्लीट होगा। तो वही चीज यहाँ पे है, ट्रेस हुआ ऐसे करके, ट्रेस हुआ ठीक है, यहाँ तक ट्रेस हुआ, उसके बाद ये इतने दूर इतना जो टाइम लगेगा उसमें होगा कि रिट्रेस इनिशिएट करेगा। रिट्रेस इनिशिएट करने के बाद क्या होगा, ये सिंक पल्स भेजेगा जो कि यहाँ पे सिंक पल्स है। सिंक पल्स के बाद फिर ये बैक पोर्च में कितना टाइम लगेगा, 5.8 माइक्रोसेकंड। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा बनाया गया, ये 1.5 के लिए इतना सा विड्थ था तो 5.8 थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा। तो बैक पोर्च में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा वाइड बनाया गया है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि उसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब रिट्रेस कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, हम लोग देखे थे पहले भी इसीलिए, ठीक है। तो अगर अभी इसको इस ग्राफ को देखें, ये इतना प्लॉट को देख करके डरना नहीं है कि पता नहीं ये क्या क्या बना हुआ है, बहुत ही सिंपल सा है कि एम्पलीट्यूड लेवल जो हम लोग पहले अभी बनाए थे कि 12.5 से 100 है, ठीक है। ये 12.5 क्या है, व्हाइट लेवल है, ये क्या है, ब्लैक लेवल है। पिक्चर इन्फॉर्मेशन क्या रहेगा, पिक्चर इन्फॉर्मेशन तो बस जितने दूर रास्टर है उतने दूर ही रहेगा, क्योंकि जो स्कैनिंग हो रहा है, ट्रेसिंग हो रहा है, वो तो उतने ही दूर हो रहा है, इसीलिए जो भी पिक्चर सिग्नल आएगा, ये मेरा पिक्चर सिग्नल आया, ठीक है, इतने दूर में ही रहेगा जितना दूर स्क्रीन है। ये 52 माइक्रोसेकंड का हो जाएगा, ठीक है, ये 52 माइक्रोसेकंड का हुआ। बाद में क्या होगा, रिट्रेस इनिशिएट होगा 1.5 माइक्रोसेकंड, तो रिट्रेस इनिशिएट हो रहा है, ठीक है, रिट्रेस इनिशिएट हुआ इतना से पोर्शन में। फिर हम लोग क्या भेजेंगे, सिंक पल्स। तो सिंक पल्स हम लोग भेजते हैं किसके में, 75 से 100 के बीच में, इसीलिए ये जो सिंक पल्स है ये बस इतने ही दूर रहेगा, क्योंकि हमको 75 से 100 में सिंक पल्स भेजना है, 75 से 12.5 में तो पिक्चर रहेगा, तो सिंक पल्स हम लोग इतने ही दूर में बनाए, ठीक है। सिंक पल्स 4.7 सेकंड लेता, तो 4.7 सेकंड का ये होगा, ये जो विड्थ है 4.7 का होगा, ठीक है। अब क्या बच गया, बैक पोर्च में रिट्रेस कंप्लीशन, तो रिट्रेस कंप्लीशन ये बैक पोर्च में हो गया, इतना टाइम जो ये है, ये 5.8 माइक्रोसेकंड था वो बैक पोर्च में हुआ, जो कि रिट्रेस कंप्लीट हुआ। अब ये क्या करेगा, वापस से स्कैनिंग स्टार्ट करेगा। तो ये जो रिट्रेस कंप्लीट होता है, ये कौन से लेवल पे हुआ, 75 पे हुआ, मतलब ब्लैक लेवल पे हुआ, ठीक है। लेकिन हमारा जो स्कैनिंग शुरू होगा तो वापस से व्हाइट लेवल पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ भी टफ चीज नहीं है, इसमें सिर्फ ये शो किया गया है डायग्राम के मदद से कि हम लोग को क्या देखा गया था कि पिक्चर है, बैक पोर्च, ये सबका इस लेवल के हिसाब से इसको बस मैप किया गया है कि पिक्चर है, तो पिक्चर 75 से 12.5 के बीच में रहेगा, इसीलिए पिक्चर इन्फॉर्मेशन हम लोग ऐसे बनाए, ठीक है, और इतने ही दूर रहेगा क्योंकि रास्टर इतना सही है। फिर आएगा फ्रंट पोर्च क्या होगा, रिट्रेस इनिशिएट होगा, तो रिट्रेस इनिशिएट हम लोग कर दिए, रिट्रेस इनिशिएट और कंप्लीशन दोनों ही ब्लैक लेवल पे होता है, मतलब 75 पे, इसीलिए हम लोग यहाँ पे ब्लैक लेवल पे ये 1.5 सेकंड का ये रिट्रेस किए, ठीक है। 1.5 सेकंड कंप्लीट हो गया, मतलब रिट्रेस अब जो है इनिशिएट हो गया, अब स्कैनिंग बीम जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है। उसके बाद हम लोग सिंक पल्स भेजना था हम लोगों को 4.7 माइक्रोसेकंड का। सिंक पल्स हम लोग जानते हैं कि 75 के नीचे तो रहेगा नहीं, 75 से 100 के बीच में रहता है, इसीलिए सिंक पल्स हम लोग 75 से 100 के बीच में भेज दिए, ये सिंक पल्स हो गया। अब हम लोग को अपना रिट्रेस कंप्लीट करना है, तो रिट्रेस शुरू और कंप्लीट दोनों ही ब्लैक लेवल पे होता है, तो इतने दूर में रिट्रेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, मतलब फिर से अब इस टाइम के बाद से फिर से मेरा सिग्नल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं इस लाइन के बाद से क्या हुआ, फिर से मेरा सिग्नल शुरू हो गया, ये फिर 52 माइक्रोसेकंड तक सिग्नल जाएगा, फिर 1.5 माइक्रोसेकंड लेगा किसके लिए, फ्रंट पोर्च के लिए, फिर एक सिंक पल्स जाएगा और एक जो रिट्रेस जो कंप्लीट होगा बैक पोर्च वो, ठीक है। यही चीज यहाँ दिखाया गया है कि ये स्क्रीन यहाँ से है, तो हम लोग का मान लेते हैं ट्रेस हो रहा है यहाँ तक पहुंचा, उसके बाद 1.5 सेकंड लगता है इसको इनिशिएट होने में रिट्रेस, तो ये इनिशिएट हो गया। अभी क्या करेंगे, सिंक पल्स भेजेंगे और रिट्रेस होगा, तो रिट्रेस हो रहा है, सिंक पल्स हो रहा है, ठीक है। ये था हमारा हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग के बारे में। अब वर्टिकल, जिस तरह से हमारे पास हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स है, वैसे ही वर्टिकल सिंक पल्स भी होना चाहिए। तो वर्टिकल सिंक पल्स का क्या है कि सिंक पल्स हैज टाइम ड्यूरेशन ऑफ 2.5 लाइंस। जो हम लोग वर्टिकल सिंक पल्स भेजते हैं, मतलब कि अभी तो ये हम लोग हॉरिजॉन्टल सिंक भेज रहे थे, मतलब हर एक लाइन के बीच में 625 लाइंस है, तो हर एक लाइन के बीच में एक हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स भेज रहे थे। लेकिन वर्टिकल सिंक पल्स क्या होगा, एक फ्रेम के बीच में हम लोग फिर एक सिंक पल्स भेजेंगे वर्टिकल वाला, ठीक है। तो एक वर्टिकल सिंक पल्स का टाइम ड्यूरेशन होता है 2.5 लाइंस का, ठीक है। मतलब जितना देर में एक सिंक पल्स जाता है, उतने देर में क्या होगा, 2.5 हॉरिजॉन्टल लाइन
खत्म हो जाएगा। तो 2.5 इंटू एक लाइन का टाइम पीरियड होता है 64 माइक्रोसेकंड, दैट मींस जो वर्टिकल सिंक पल्स होता है उसका टाइम होता है 160 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट फील्ड वर्टिकल सिंक पल्स इज एडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 312.5 to 315, मतलब 2.5 लाइंस। और हम लोग देखे थे कि 312.5 लाइंस में से 292.5 लाइंस ट्रेस का होता था, बाकी 20 लाइंस जो होता था वो रिट्रेस के लिए होता था। उसी 20 में से 2.5 लाइंस जो है वो सिंक पल्स के लिए होता है। ठीक है, फिर एक बार ऑड फील्ड स्कैन हुआ, एंड हो गया यहाँ फर्स्ट फील्ड, इसके बाद हमें सिंक पल्स भेज दिए। फिर दूसरा फील्ड स्कैन होना शुरू हुआ, दूसरा फील्ड का एंड हुआ, फिर हम लोग दूसरा एक 2.5 लाइंस के जितना लंबा सिंक पल्स भेजे, मतलब 160 माइक्रोसेकंड का सिंक पल्स भेजे। ठीक है, वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड, जो वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड रहता है उसी में सिंक पल्स भी है, वर्टिकल सिंक पल्स। जैसे अभी हम लोग देखे कि जो हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड था, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग, इसमें क्या क्या था, हमारा हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स भी था प्लस रिट्रेस भी था। उसी तरीके से वर्टिकल ब्लैंकिंग में क्या होगा, वर्टिकल सिंक प्लस होगा प्लस रिट्रेस होगा। ठीक है, तो यही लिखा है, इट इज अ पीरियड ड्यूरिंग विच पिक्चर इन्फॉर्मेशन इज कम्प्लीटली सप्रेस्ड एंड रिट्रेस ऑफ फील्ड इज इनिशिएटेड एंड कम्प्लीटेड। हम लोग जानते हैं कि जब रिट्रेस होता है तो पिक्चर इन्फॉर्मेशन, पूरा इन्फॉर्मेशन जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। तो इसमें वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड में हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेस इनिशिएट और कंप्लीट करेंगे। एकदम सिमिलर है जैसे अभी हॉरिजॉन्टल में हम लोग रिट्रेस इनिशिएट कर रहे थे, सिंक पल्स भी भेज रहे थे और रिट्रेस कंप्लीट भी कर रहे थे, वही चीज वर्टिकल में भी होगा कि जो 20 लाइंस का जो हमारे पास ड्यूरेशन था वर्टिकल रिट्रेस का, उस 20 लाइन में हम लोग क्या करेंगे, रिट्रेस भी इनिशिएट करेंगे, मतलब इनिशिएट मतलब शुरू करना, तो रिट्रेस शुरू होगा, सिंक पल्स भी भेजेंगे वर्टिकल और रिट्रेस खत्म भी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड कितना माइक्रोसेकंड का था, 12 माइक्रोसेकंड का, लेकिन वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड कितना सेकंड का रहेगा, 1.28 मिलीसेकंड का, क्योंकि ये 20 लाइंस का होता है। ठीक है, इसको भी हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं, वर्टिकल सिंक पल्स 160 माइक्रोसेकंड का था इसलिए थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा रहेगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स कितना माइक्रोसेकंड का रहता था, 4.7 माइक्रोसेकंड का, इसलिए ये सिर्फ इस तरह से बनाते थे हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स को, क्योंकि ये कितना होता था 4.7 माइक्रोसेकंड, लेकिन वर्टिकल सिंक पल्स अभी हम लोग देखे कितना होता है, 160 माइक्रोसेकंड। ठीक है, तो हर जो भी इंफॉर्मेशन, जो हर फील्ड के स्कैन होने के बाद हम लोग एक वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड भेजते हैं 160 माइक्रोसेकंड का, इसमें कोई भी पिक्चर इन्फॉर्मेशन नहीं रहता। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे कोई पिक्चर इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये यूनिट कंपोजिट वीडियो सिग्नल बस इतना ही था, इसमें से क्वेश्चन बस यही आ सकता है कि ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द वेवफॉर्म ऑफ कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो इसका जो कंपोजिट वीडियो सिग्नल का जो सबसे पहला वाला ग्राफ था उसको ड्रॉ करने का प्रैक्टिस करना है, जिसमें कि पीक व्हाइट लेवल, पीक ब्लैक लेवल, ये सारा कुछ शो करना होगा अच्छे से। ठीक है, ये बनाना होगा कि जो वीडियो सिग्नल है वो 12.5 से 75% के बीच में ही रहे, जो भी सिंक पल्स है वो 75 to 100 के बीच में रहे। तो ये हम सबसे उम्मीद करेंगे कि सभी लोग कॉपी में ये एक जो ग्राफ है, जो सबसे पहला वाला जो मेरा सिग्नल था उसको सिंपल करके बनाया, उसमें बहुत सारा नेमिंग किया हुआ है, डीसी लेवल ये वो सब नहीं करना है, एकदम सिंपल, बस एक पीक व्हाइट लेवल को नेम करोगे, पीक ब्लैक लेवल को नेम करोगे और सिंक पल्स को नेम करोगे, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें कि कंपोजिट वीडियो सिग्नल तीन चीज से कंसिस्ट होता है, हमारा एक तो कैमरा सिग्नल रहता है, एक सिंक पल्स रहता है, और ये सिंक पल्स सॉरी जो ब्लैंकिंग पल्स होता है, वर्टिकल ब्लैंकिंग और एच ब्लैंकिंग, मतलब हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग। ठीक है, तो यही देखें, कैमरा सिग्नल, सिंक पल्स और ब्लैंकिंग पल्स। तो सिंक पल्स भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल होता है, ब्लैंकिंग पल्स भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है। तो अगर अभी हम लोग समराइज करें कि एक्चुअली में होता क्या है सिग्नल का, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टाइम होता है 64 माइक्रोसेकंड, 64 माइक्रोसेकंड में 52 माइक्रोसेकंड वो इंफॉर्मेशन को ट्रेस करता है, मतलब हमारा कैमरा सिग्नल या पिक्चर सिग्नल होता है, बाकी का जो 12 माइक्रोसेकंड है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड। ठीक है, पहले हम लोग इसको रिट्रेस टाइम कहते थे, लेकिन धीरे धीरे अब हम लोग इसका सही जो स्टैंडर्ड नेम है वो हम लोग जा रहे हैं। तो ये जो 12 माइक्रोसेकंड का होता है उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड। इस 12 माइक्रोसेकंड में क्या क्या होता है,
52 माइक्रोसेकंड तक ट्रेस हो गया, 1.5 माइक्रोसेकंड क्या होगा, रिट्रेस शुरू होगा, मतलब इनिशिएट किया जाएगा कि हाँ अब रिट्रेस करना है, ठीक है, इसको कहते हैं फ्रंट पोर्च, ठीक है, 1.5 माइक्रोसेकंड इसमें जाएगा और ये जब इनिशिएट हो जाएगा तब हम एक सिंक पल्स भेजेंगे, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड है तो हम लोग हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स भेजेंगे जिसका कि टाइम पीरियड होगा 4.7 माइक्रोसेकंड। अब जो रेस्ट 5.8 माइक्रोसेकंड हुआ उसको उसमें क्या होगा, हमारा जो रिट्रेस हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। रिट्रेस कंप्लीट मतलब अभी हमारा जो स्कैनिंग बीम राइट से लेफ्ट आ चुका है, ठीक है, ये था हॉरिजॉन्टल के बारे में। वर्टिकल में हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल में हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वर्टिकल रिट्रेस जो टाइम होता था 20 लाइंस का होता था, ये हम लोग देख रहे थे। तो ये जो 20 लाइंस का टाइम है ये क्या है, ये जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ब्लैंकिंग पीरियड 12 माइक्रोसेकंड का था, उसी तरीके से वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड, जो वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड है वो कितना का होगा, 20 लाइंस मतलब 20 × 64 माइक्रोसेकंड, ये आएगा 1.28 मिलीसेकंड। मतलब अभी जो मेरा वर्टिकल ब्लैंकिंग पीरियड है वो है 1.28 मिलीसेकंड का। अब इस 1.28 मिलीसेकंड में जैसे यहाँ पे होता था जो रिट्रेस इनिशिएट होता था, सिंक पल्स भेजते थे, रिट्रेस कंप्लीट होता था, वो सब यहाँ पे भी होगा, रिट्रेस इनिशिएट होगा, सिंक पल्स भी भेजेंगे और रिट्रेस कंप्लीट होगा, ठीक है। अब इसमें सिंक पल्स का ड्यूरेशन कितना होगा, 2.5 लाइंस मतलब एक लाइन मतलब होता है 64 माइक्रोसेकंड, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 160 माइक्रोसेकंड। तो ये था कॉम्पोजिट वीडियो सिग्नल का समरी, बस यही सब चीज हम लोग को जानना था कि एक वीडियो सिग्नल में क्या क्या पल्स होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैमरा ट्यूब स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हम लोग देख रहे थे कि हाँ कैमरा ट्यूब जो है ब्राइटनेस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, लेकिन वो कैसे करता है ये चीज हम लोग अब नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे जो कि है कैमरा ट्यूब, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये सारा कुछ समझ में आया हो, जिसको जो नहीं समझ में आया है वो लिख करके रखे कॉपी में, हम लोग जो हमारा लेक्चर होगा क्लास का उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू।